Behind closed doors, I'm a fool for your love. Hello guys, welcome back to BSW Stocks and Finance. काफी दिनों बाद अपन एक और वीडियो के साथ आ गए। आज की खास वीडियो रहेगी क्योंकि पहली बार इस चैनल पे मैं ट्रेड टाइगर कैसे यूज करना है एंड उसको ऑपरेट कैसे करना है एज ए बिगिनर, वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आप ट्रेड टाइगर डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ, या तो आप गूगल पे जाइए, ट्रेड टाइगर डाउनलोड सेटअप क्लिक कीजिए, आ जाएगा। लेकिन आप ये बात ध्यान रखिएगा, ट्रेड टाइगर सिर्फ पीसी या लैपटॉप पे ही चलेगा, मोबाइल एंड्रॉयड आईफोन उस पर नहीं चलेगा, ठीक है। तो अपन ट्रेड टाइगर को लॉग इन करते हैं। आप देखते जाइएगा तो आपको भी आइडिया आ जाए कि कैसा है प्रोसीजर, सो दैट आपको भी दिक्कत ना आए। तो ये अपन लॉगिन कर रहे हैं, इंस्टॉलेशन ऑलरेडी हो चुका है। इंस्टॉलेशन की वीडियो बनाने का मतलब नहीं है क्योंकि इतने तो आप लोग स्मार्ट हो कि इंस्टॉलेशन कैसे होता है सबको पता है। तो अब ये एक्चुअली मैं तो ब्रोकर हूँ तो मेरा उस हिसाब से लॉगिन आईडी पासवर्ड है। आपको जो लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया होगा जो आप मोबाइल में यूज करते हैं ऐप में, वही आपको यूज करना है। ओके, अभी सर्वर इशू आ सकता है, नहीं आया, कोई बात नहीं। अगर सर्वर इशू आता है तो कोई बात नहीं, अलग सर्वर सिलेक्ट करके उसको सेव करने का और फिर वापस से लॉगिन करने का, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड स्टिल कोई दिक्कत आती है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मेरे को कॉल कर सकते हो, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। जनरली नहीं आती है लेकिन कुछ कुछ के सिस्टम्स ऐसे होते हैं जिसमें सर्वर का इशू आ सकता है, तो उस केस में आपको सर्वर चेंज करके वापस से लॉगिन करना है तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे से ये ट्रेडिंग पासवर्ड इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि मैं इसका सब ब्रोकर हूं, आपसे ये ओटीपी या टीओटीपी ऐसा कुछ मांग लेगा तो आप वो दे दीजिएगा, ठीक है। अब हो जाएगा लॉगिन। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पहले यहां पे सिर्फ चार चीजें आ रही थी, अब यहां पे बहुत सारी चीजें आ चुकी है, सो दैट मीन्स के लॉगिन हो चुका है सक्सेसफुली। एंड यहां पे ये वाला आपके में आएगा कि नहीं आएगा मुझे पता नहीं, लेकिन ये वाला मेरे क्लाइंट का लिस्ट है, इस पे मेरे सारे क्लाइंट्स के डिटेल्स हैं, ठीक है। तो मेरे में ये ऐसे आता है, ठीक है। आप ट्रेड टाइगर ओपन करने के बाद थोड़ा सा टाइम इसको जरूर दीजिएगा कि खुद से रिफ्रेश हो जाए, अदरवाइज थोड़ा हैंग रहेगा स्टार्टिंग के कुछ सेकंड्स, क्योंकि बड़ा सिस्टम है, काफी बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, तो इसको 5-6 सेकंड दे दीजिए चालू करने के बाद, फिर ये जो भी है क्लोज कर दीजिए। ठीक है, अब मैं आपको ट्रेड टाइगर है क्या, एक एक छोटी छोटी चीज में इसकी हो सके उतनी कवर करना चाहता हूं, जो मैं कवर कर लेता हूं वीडियो में, ठीक है। सबसे पहले तो ये होम बटन है, इसमें आप लॉग ऑफ कर सकते हो, एग्जिट कर सकते हो। लॉग ऑफ करोगे तो ट्रेड टाइगर खुला रहेगा लेकिन लॉग आउट हो जाएगा, जैसे लॉग आउट होता है वैसे ही जनरली। मार्केट वॉच, चार्ट, चार्ट का मतलब तो सबको पता है। थीम्स, थीम्स में आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, मैंने ब्लैक रखा है, ब्लू थीम रख सकते हो, ऑरेंज थीम रख सकते हो, जैसे भी आपको ठीक लगे, जो आपको सूट करती हो, ठीक है। मुझे ब्लैक थीम इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि मेरे को सेटिस्फेक्शन लगता है उसमें। फिर लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस भी आपको गुजराती, हिंदी, मराठी, जो आपको सिलेक्ट करना हो। सेव, सेव यानी कि जो लेआउट है वो सेव। फंड ट्रांसफर, ऐड, डेबिट, क्रेडिट डेबिट, फंड डालना, फंड निकालना, ठीक है। ये लर्न, इसमें आपको कोर्सेस वगैरह एंड वो सब मिलेगा। फिर ये, फिर लाइव चैट, ये सब मोस्टली ये सब चीज़ें आपके काम की नहीं है, ये लर्न आपको बहुत काम आ सकता है। फिर ये बाय सेल, जो तो सबको पता ही है क्या है। फिर ये व्यू डेमो, कैसे ट्रेड करते, ट्रेड टाइगर कैसे यूज करते हैं उसका भी एक डेमो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। फिर माय पोर्टफोलियो यानी आपके होल्डिंग्स वगैरह क्या है। फिर ये एसके टीवी यानी शेरखान टीवी, इसमें कुछ बताते रहते हैं डिटेल्स, शेयर्स एंड ऑल, शेरखान एजुकेशन एंड क्लासरूम एंड व्हाट्स न्यू, ठीक है। मार्केट वॉच में यहाँ पे आपको सबसे मेन स्टॉक्स कहाँ मिलेंगे वो यहाँ पे मिलेंगे, स्टॉक्स कैसे ढूंढना है, ऑप्शंस कैसे ढूंढना है, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब सबसे पहले आपको सपोज कोई स्टॉक ढूंढना है तो आप पहले तो, अगर ढूंढना है तो उसका थोड़ा अलग प्रोसीजर है, लेकिन आपको सारे स्टॉक्स ऐड करने हैं
तो यहाँ पे एनएसई देख सकते हैं ना, एनएसई पे जाइए एंड जो भी आपको सेगमेंट सिलेक्ट करना है, जैसे इधर निफ्टी है, निफ्टी 500 है, फिर निफ्टी 100 है, यानी निफ्टी के टॉप 100, टॉप 200, टॉप 500, निफ्टी बैंक यानी बैंकिंग वाले जो स्टॉक्स हैं वो, तो मैं जनरली निफ्टी 500 ही ओपन रखता हूँ क्योंकि मेन वही है निफ्टी 500, यानी टॉप 500 कंपनीज उसमें ऑलमोस्ट सब इन्वॉल्व हो ही गई है। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हैं ये सारी 500 कंपनीज आ जाएगी। ठीक है, इस पे से आप कोई भी चाहे ट्रेड कर सकते हैं। अब रही बात वो कि आपको कोई स्पेसिफिकल स्टॉक सर्च करके ट्रेड करना है तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पे आएंगे आप। ठीक है, ये आपको दिख जाएगा। सबसे पहले तो आप ये जो एरो दिख रहा है ना व्हाइट कलर का छोटा सा, उस पर क्लिक कीजिएगा एंड सबसे पहले इसको ऑल कर दीजिएगा। ठीक है, अदरवाइज आप सर्च करेंगे तो वो सर्च नहीं होगा। ऑल कर दीजिए, बंद कीजिए, फिर सर्च कीजिए। अब सपोज मैं सुजलोन सर्च करता हूँ जो कि ये टॉप 500 में नहीं आएगा प्रॉबेबली, तो सुजलोन यहाँ अपन सर्च कर लेते हैं, SUZLON, एंड फिर सजेशन में आ गया, क्लिक कर लिया मैंने। अब थोड़ा सा वेट किया, ये आ गया सुजलोन नीचे। ठीक है, अब इसको अपन ऐड टू मार्केट वॉच कर लेंगे या बाय सेल या सेट अलर्ट चार्ट, ऐड टू मार्केट वॉच करेंगे जो अपन ने खोल के रखा है उसमें ये ऐड हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं नीचे ऐड हो गया। ठीक है, ये रहा, यहाँ पे ऐड हो गया। इस तरीके से आप ट्रेड ले सकते हैं, जरूरी नहीं है ऐड करना, तो आप डायरेक्ट बाय या सेल भी कर सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे। और शॉर्टकट कीज भी इसमें है, मैं शॉर्टकट कीज के ऊपर बाद में आते हैं अपन, तो समझ आ गया ना कैसे सर्च करना है। अब रही बात, अब आप बोलोगे मुझे भाई ऑप्शन सर्च करना है, तो ऑप्शन भी यहाँ से सर्च हो जाएगा, डोंट वरी। अपन सपोज बैंक निफ्टी 43,000 का, सपोज 42,000, ये आ गया 42,000 CE, 42,000 PE, और सिर्फ नॉट ओनली 5th जैन की एक्सपायरी, 12th जनवरी की एक्सपायरी भी आ रही है। सो आप ट्रेड ले सकते हो यहाँ से डायरेक्ट, जरूरी नहीं है कि आप ऑप्शन चेन में वगैरह जाके, मैं आपको दिखाता हूँ अभी कैसे, तो आप यहाँ से भी ट्रेड ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे अपन ने यहाँ पे निफ्टी 500 को ऐड किया, तो अभी अपन को कुछ और ऐड करना है, जैसे कि सपोज अपन को ऑप्शंस देखने हैं, ऑप्शन चेन भी है अपने पास शेर खान में, वो बेस्ट है, उसमें बहुत सारी ओपन इंटरेस्ट एंड ऑल काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो ऑप्शन चेन पे आप जाएंगे ना तो क्या होगा, प्रॉबेबली अभी नहीं आएगा मैं सिलेक्ट करूंगा तो, ऑप्शन चेन, ऑप्शन चेन इज नॉट अवेलेबल फॉर द सिलेक्टेड स्क्रिप्ट। इसका मतलब क्या है, अपनी अभी सिलेक्टेड स्क्रिप्ट है सुजलॉन, उसके लिए ऑप्शन चेन अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो ऑप्शन ऑप्शंस में ट्रेड होता ही नहीं है सुजलॉन। ओके, तो अब आप कोई ऐसा स्टॉक सिलेक्ट करेंगे टेम्पररी ऑप्शन चेन ओपन करने के लिए जो हो, समझ रहे हैं, जो हो उसमें ऑप्शंस में ट्रेड होता हो जो, तो लिए से टाइटन, ओके टाइटन मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब मैं ऑप्शन चेन पे क्लिक करूंगा तो इट विल ओपन, टाइटन का ऑप्शन चेन ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये रहे ऑप्शन चेन, ये रहे कॉल्स और ये रहे पुट्स, इधर आपको चेंज इन परसेंटेज, ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओआई, टाइम वैल्यू सब कुछ मिल जाएगा, ऑफर प्राइस, बिड प्राइस, बिड क्वांटिटी और ये लेटेस्ट ट्रेडिंग प्राइस। ठीक है, अब यहाँ से आप सिलेक्ट करके निफ्टी है या बैंक निफ्टी है सिलेक्ट कीजिए, एंटर, वापस एंटर, तो ये टाइटन हट जाएगा और निफ्टी आ जाएगा। ठीक है, बैंक निफ्टी के वो आ जाएगा, ये ऑप्शन चेन आ गया। अब इसमें से आपको कोई सिलेक्ट करना है तो आप कर लीजिए, आपको चार्ट पे देख के लगता है कि 42,100 है तो इसका कर लीजिए, और 43,200 का पुट करना है तो यहाँ पे आके क्लिक कीजिए इस पे, बाय स्क्रिप्ट, सेल स्क्रिप्ट, जो भी आपको करना हो। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रेड टाइगर में आप ऑप्शन सर्च कर सकते हैं एंड स्टॉक सर्च कर सकते हैं। एंड नॉट ओनली दिस, आप NSEFO में जाके ये नियर बिग ट्रेड प्लस में क्या होता है, इंट्राडे वाले जो स्टॉक्स होते हैं ना वो आ जाएंगे, और ये नियर फ्यूचर्स, नियर फ्यूचर्स यानी FNO ट्रेडिंग में जो फ्यूचर्स वाले सेगमेंट होते हैं, तो उसमें नियर यानी कि जो अभी का है फ्यूचर वो चल रहा है, नेक्स्ट फ्यूचर यानी इसके बाद वाले मंथ का फ्यूचर, फार फ्यूचर यानी उसके भी बाद वाले मंथ का फ्यूचर, तो आप उस पर सिलेक्ट करके जो भी आपको लगना हो तो सारे स्टॉक्स आ जाएंगे जो नियर फ्यूचर में ट्रेड हो रहे हैं। ठीक है, फिर MCX का भी अवेलेबल है। ठीक है, MCX पे अपन ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि, चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ आ गया आपको ऑप्शन चेन्स एंड ऑल सर्च कैसे करना है, स्टॉक वगैरह सब कुछ यहाँ से सर्च हो जाएगा। सबसे पहले आपको ऑल कर देना है, वो बात याद रखिएगा,
ठीक है, फिर सर्च करिएगा। और अभी अपन बात करते हैं ट्रेड कैसे लेना है वो मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन पहले अपन ओवरऑल सब बात कर लेते हैं इसकी। ये आपके कोई कितना खास काम का नहीं है, काफ़ी एडवांस लेवल है, तो आप यूज़ करते करते सीख जाएंगे। रिपोर्ट्स, यहाँ पे एक मेन चीज़ है, अगर आपने कोई स्टॉक लिया है तो वो यहाँ पे दिखेगा आपको। कहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे, बस ये सब चीज़ें ही है आपके स्टॉक्स के लिए, कैश मार्केट के लिए। और अगर आप ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो ये है आपके लिए डेरिवेटिव्स, करेंसी में करते हैं तो ये है, कमोडिटी में करते हैं तो ये है। तो लेट्स से आपने आज एक स्टॉक लिया इंट्राडे पर्पस के लिए, तो उसका आपको ऑर्डर तो यहाँ पे दिख जाएगा कि आपने कैसे ऑर्डर प्लेस किया, क्या ऑर्डर प्लेस किए। नेट पोजीशन पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस और पोजीशन आपकी क्या है, क्वांटिटी आपकी क्या है, वो दिख जाएगी। तो इसके बारे में बात करने से पहले अपन देख लेते हैं कि ऑर्डर प्लेस कैसे करते हैं एक्चुअली। तो चलिए सपोज अपन ऑर्डर प्लेस करने के लिए ऑप्शंस में भी देखते हैं बाद में, पहले फ्यू स्टॉक्स में देख लेते हैं। सपोज मुझे बाय करना है टाइटन, मैं टाइटन पे जाऊंगा, या तो मैं F1 दबाऊंगा या तो मैं ऐसे राइट क्लिक करके बाय स्क्रिप्ट करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं F1 का भी ऑप्शन दिखा रहा है, तो एक बाय का कॉलम खुल जाएगा। अब मेरे को कस्टमर सिलेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज मेरे पास काफी सारे कस्टमर्स हैं, मैंने अभी तक किसी सिलेक्ट नहीं किया है। तो ये मैंने कस्टमर सिलेक्ट कर लिया, अब मैं यहाँ पे जाके राइट क्लिक करूंगा या F1 दबाऊंगा, तो बाय स्क्रिप्ट का ऑप्शन आएगा और ये एक बाय का कॉलम खुल जाएगा ऐसे। तो अब इसका मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ। ये अपन को क्वांटिटी डालनी है, लेट से 50। प्राइस, अगर आप कोई लिमिट ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं, जैसे कि अभी 2562 चल रहा है, लेकिन आपको 2550 पे ही बाय करना है, तो यू कैन प्लेस दिस टाइप ऑफ प्राइस, सो दैट ऑर्डर प्लेस करने के बाद जब तक वो 2550 नहीं आता प्राइस, तब तक आपका ऑर्डर पेंडिंग रहेगा। एंड सपोज आपको जो रेट चल रहा है उस रेट पे बाय करना है देखे बिना, तो जीरो कर दीजिए। जीरो इधर नीचे लिखा हुआ भी है, जीरो इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस, यानी जो भी मार्केट प्राइस चल रहा होगा उस रेट में बाय हो जाएगा आपका 50 क्वान्टिटी टाइटन में। एंड नॉर्मल ऑर्डर तब यूज कीजिएगा जब आपको इंट्राडे करना हो तो भी यूज कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड करना हो तो भी यूज कर सकते हो, बट ब्रैकेट ऑर्डर आप सिर्फ तभी यूज करना जब आपको इंट्राडे पर्पस के लिए कोई ट्रेड लेना हो। ब्रैकेट ऑर्डर में बेनिफिट क्या है, ब्रैकेट ऑर्डर में आप यहाँ पे टारगेट और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हो और प्लेस कर सकते हो, जबकि नॉर्मल ऑर्डर में आपको मैन्युअली वो सब करना पड़ेगा, ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। समझ आ गया आपको इतना? यहाँ पे आपको 20% बिग ट्रेड मार्जिन, यानी कि आपको सपोज 50 क्वांटिटी ले रहे हो आप टाइटन का, तो आपको इतना पैसा आपके अकाउंट में होना चाहिए, इतना यूज होगा, एंड बाकी का आपको कैश कैश इसका अराउंड 5 to 10% कैश तो रख के ही रखना चाहिए अकाउंट में, यानी इतना है तो आपके पास 30,000 जितना होना ही चाहिए कैपिटल, तो आप 50 क्वांटिटीज की ले सकते हो बेझिझक, डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क। अगर आपके पास सिर्फ 27,000 है तो भी आप ले सकते हो, ऐसी बात नहीं है, पर फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर थोड़ा अफेक्ट करेगा। तो बेस्ट में ये सजेशन है कि अगर आपके पास 30,000 है तो आप इतना मार्जिन रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हो। तो ये आपको यहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट भी दिखा देगा कि कितना मार्जिन है, एंड ये सब आपके काम का नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब बाय सेल, ओके डन। अब ब्रैकेट ऑर्डर होगा तो ये बिग ट्रेड मार्जिन आ जाएगा, ब्रैकेट ऑर्डर नहीं होता है तो ये नॉर्मल है, यानी इंट्राडे में तो आपको इतना मार्जिन मिलेगा, लेकिन अगर आप इसको कैरी फॉरवर्ड करोगे तो 50 × 2562 जितनी वैल्यू आती है उतना आपको देना ही पड़ेगा, लिमिट नहीं है। बट आपके पास एक और ऑप्शन है EMF ऑर्डर। अब ये बिग ट्रेड में अपन ने रखा है, बिग ट्रेड इसको बंद करके इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो इन्वेस्टमेंट नहीं EMF कर देते हैं। EMF में क्या है, EMF में आपको 25% सिर्फ इसका पे करना है, बाकी का शेयर खान आपको पे करेगी इंटरेस्ट पे, वो आप ले सकते हैं इंटरेस्ट पे, सो दैट आपके पास अगर कैपिटल कम हो आप इंटरेस्ट पे लेके आप ट्रेड ले सकते हो, यानी आपको इसका सिर्फ 25% पे करना होगा, बाकी का शेयर खान पे करेगी जो आपके 50 क्वांटिटी का बनता है, एंड उस पे इंटरेस्ट चार्ज करेगी एनुअली कुछ 18% के आसपास कुछ होता है, यानी मंथली 1.5%, और आप जितने दिन तक होल्ड करते हो उतना ही इंटरेस्ट कटता है। तो समझ आ गया, अपन ने सपोज प्लेस कर दिया, अपन प्लेस पे क्लिक करेंगे, ये एक बार कंफर्म करेगा, अभी हमारा वो KYC अपडेटेड नहीं है क्लाइंट का, आप प्लेस पे क्लिक करेंगे तो कंफर्म का एक ऑप्शन आएगा, कंफर्म पे क्लिक करेंगे हो जाएगा ऑर्डर प्लेस। फिर अपन को ऑर्डर देखना है कि हमारा ऑर्डर प्लेस हुआ है कि नहीं हुआ है, फुली एग्जीक्यूटेड है, पेंडिंग है, कैंसिल है, रिजेक्टेड है, वो हम आके देखेंगे रिपोर्ट्स पे। रिपोर्ट्स पे ये रहा ऑर्डर्स,
ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको गेट लेटेस्ट पे क्लिक करना है रिफ्रेश करने के लिए। यहाँ पे आपको सारे ऑर्डर्स दिख जाएंगे जो आपने रखे हैं कि नहीं, और यहाँ पे आपको पेंडिंग है, फुली एग्जीक्यूटेड है, कैंसल्ड है, रिजेक्टेड है, सब कुछ दिख जाएगा, ठीक है। और आपका प्रॉफिट एंड लॉस इंट्राडे में क्या चल रहा है वो आपको नेट पोजीशन पे देखने मिलेगा। नेट पोजीशन पे चाहिए, गेट लेटेस्ट पे क्लिक कीजिए, जो चल रहा होगा वो आपको दिख जाएगा। एंड अगर आपने एक स्टॉक ले लिया है एंड उसको कैरी फॉरवर्ड कर चुके हो और उसमें आपको देखना है उसका प्रॉफिट एंड लॉस क्या चल रहा है, यानी इंट्राडे का हो चुका है, आप उसको अगले दिन ले चुके हो या एक हफ्ता हो चुका है, एक महीना हो चुका है, उसमें प्रॉफिट लॉस क्या चल रहा है वो आपको देखने मिलेगा डीपीएसआर में। डीपीएसआर में जाइए, गेट लेटेस्ट पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको होल्डिंग और उसकी वैल्यू क्या चल रही है, मार्केट वैल्यू, वो देखने मिल जाएगी, कितनी क्वांटिटी वगैरह वगैरह, समझ पड़ गई। लिमिट स्टेटमेंट में आपको देखने मिलेगा कि आपके पास फंड अभी अवेलेबल कितना है, जैसे ये क्लाइंट का अभी जीरो है, जीरो जीरो, सब कुछ जीरो। एंड प्रीवियस सेटलमेंट लिमिट, यानी जो पास्ट का कुछ सेटलमेंट बाकी होता है वो दिखाता है, समझ आ गया। तो ये है बेसिकली आपका रिपोर्ट्स का सेक्शन। अब सेम होता है ऑप्शन में, ऑप्शन में भी बाइंग ऐसे ही होती है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। फ्यूचर्स तो एक तरीके से स्टॉक्स जैसे ही बाय होता है, ऑप्शंस में भी आप अगर इस पे जाके F1 दबाओगे या फिर राइट क्लिक करके बाय करोगे तो सेम टाइप का आपको बॉक्स खुलेगा। इसमें भी आप नॉर्मल ऑर्डर को ब्रैकेट ऑर्डर कर सकते हो, स्टॉप लॉस और टारगेट लगा सकते हो, प्लेस कर सकते हो, फिर इसमें भी प्रॉबेबली आपको मार्जिन मिल जाएगा। हाँ देखो, 12,307 रुपये प्रीमियम रिक्वायर्ड है, वो दिख रहा है आपको, ठीक है। इसी तरीके से आप प्लेस ऑर्डर करके कंफर्म करके कर सकते हो जैसे आपको ठीक लगे, और इसका आपको देखने मिलेगा यहाँ पे रिपोर्ट्स पे, यहाँ पे ऑर्डर्स, टर्नओवर, टर्नओवर पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस देखने मिलेगा, फिर आपने वो कैरी फॉरवर्ड किया हो या कैसे भी किया हो आपको इधर टर्नओवर पे देखने मिलेगा, ठीक है। और करेंसी एंड ऑल सब ऐसा ही है। तो इतना हो गया अपने को कैसे करना है। अब टूल्स पे आ जाते हैं, टूल्स पे चार्ट एंड ऑल वो सब, चार्ट में आपको दिखाता हूँ कैसे देखना है। बल्क ऑर्डर आपके काम की चीज नहीं है, आपके में आएगा भी नहीं, सब कुछ ओके डन, नो नीड टू वरी अबाउट। ये भी आपको नॉर्मल जो होता है वो सब है। रिसर्च पे आपको यहाँ पे कॉल्स देखने मिल जाएंगे, शेरखा ने कौन से कॉल्स भेजे हैं, कॉल वॉच, स्ट्रेटेजी वॉच, कमोडिटी कॉल वॉच, स्टॉक आइडिया, टॉप पिक्स, फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, फंडामेंटल ये सब वगैरह वगैरह, कॉल परफॉर्मेंस, लेजेंड सेटिंग्स, म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। सेटिंग्स यहाँ पे आप आके ऑर्डर सेटिंग कर सकते हो, पीछे ग्राफ सेटिंग कर सकते हो, थीम्स, लैंग्वेज, वो सब में सेटिंग कर सकते हो, ठीक है। फिर ये सब मोस्टली आपके काम की चीज़ नहीं है, ठीक है, ओके डन। तो अपन अभी मैं दिखाता हूँ आपको चार्ट कैसे ओपन करना है किसी स्टॉक का। टाइटन राइट क्लिक कीजिए, शॉर्टकट कीज हर एक चीज़ की अवेलेबल है, कंट्रोल जी है आई थिंक चार्ट का, कंट्रोल जी होगा, हाँ ये रहा, कंट्रोल जी पे आप क्लिक करेंगे तो चार्ट ओपन हो जाएगा, या तो आप ऐसे राइट क्लिक करके भी आ सकते हैं मैन्युअली, फिर इसको जूम इन कर दीजिए। एंड अगर आप सी प्रेस करेंगे तो एक कैंडल स्टिक में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड इसमें अभी 0 मिनट सेट किया हुआ है, इस 5 मिनट कर लेता हूं मैं, तो उस हिसाब से कैंडल्स आ गई, यानी 5 मिनट की कैंडल्स चाहिए, ठीक है। तो ये चार्ट आपको देखने मिल गया, यहाँ पे आपको टूल्स वगैरह भी देखने मिल जाएंगे। ये चार्ट टाइप्स है, इसमें लाइन, कैंडल स्टिक वगैरह, ये टूल्स, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, ट्रेंड लाइन, फ्री लाइन, फिबोनाची वगैरह वगैरह। फिर ये स्टडी यानी कि इंडिकेटर्स भी आपको काफ़ी सारे टाइप के मिल जाएंगे, बहुत सारे टाइप के इंडिकेटर्स हैं। फिर ये सब तो इतना कुछ खास नहीं है, ठीक है। ये एंट्री स्टॉप लॉस और टारगेट आपको सेट करना हो तो वो भी आपको हो जाएगा यहाँ पे से, और यहाँ पे से आप इंटरवल चेंज कर सकते हैं। सपोज ये होगा आपका मिनट्स का, कितने मिनट की कैंडल आपको देखनी है, और ये है कि कौन सा आपको वो देखना है। सपोज मुझे 15 मिनट की कैंडल देखनी है और 90 डेज पिछले 30 डेज का मेरे को देखना है, पिछले 30 डेज में 15 मिनट की कैंडल्स का क्या है, तो 30 डेज पे क्लिक कर दिया मैंने, तो ये अब उस हिसाब से खुल गया। अब मैंने इसको ओके कर दिया और क्रॉस कर दिया, तो अब मैं अगर पीछे जाऊंगा अब मैं पीछे जाऊंगा तो ये मुझे 90 डेज तक पीछे जाने देगा, ठीक है, 90 डेज तक पीछे देखने के लिए, बैक टेस्टिंग करने के लिए, सॉरी 30 डेज तक बैक टेस्ट करने के लिए ये बेस्ट चीज है। आप बैक टेस्ट करते हो तो ये बेस्ट है। 15 मिनट की कैंडल है, एक कैंडल 15 मिनट की है, ठीक है, इतना तो आपको नॉलेज होगा अगर आप मेरी पुरानी वीडियोज देखते हैं तो, कि एक कैंडल 15 मिनट है नॉल्स क्या होता है। तो इस तरीके से रहेगा, ट्रेंड लाइन वगैरह आपको बनानी हो बना के ट्रेड ले सकते हो, ठीक है।
और नीचे वॉल्यूम वगैरह मैंने भी डाल के रखा, इंडिकेटर्स आपको जो डालना है डाल सकते हो। इस तरीके से चार्ट होगा ओपन। ओके समझ आ गया ये सब आपको, और कुछ इसमें खास है नहीं देखने जैसा। क्लोज करने के लिए तो आप यहाँ से कर सकते हैं क्लोज, लॉग ऑफ एग्जिट, लॉग ऑफ लॉग आउट किए बिना भी एग्जिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ एक चीज लोगों का काफी कॉम्प्लेक्स लगती है, वो है कि सेल कैसे करना है। अगर आपने शॉर्ट सेलिंग करना है, शॉर्ट सेलिंग आप इंट्राडे के लिए ही कर सकते हैं डेफिनेटली, उसको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। अगर आप फ्यूचर में कर रहे हैं तो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो इंट्राडे में अगर आपको शॉर्ट सेलिंग करना है तो कोई भी स्टॉक जो आप शॉर्ट सेल करना चाहते हैं उस पर जाइए, F2 दबाइए, या तो फिर सेल स्क्रिप्ट पे जाइए, राइट क्लिक करके सेल का कॉलम खुल जाएगा। उसी तरीके से जिस तरीके से आपने बाय किया उसी तरीके से आपको सेल करना है, बस इसमें फर्क इतना है कि इसमें टारगेट एंड स्टॉप लॉस आपको उस हिसाब से लगाना है जिस हिसाब से आप सेल कर रहे हैं, नॉट अ बिग डील। और अगर आपके पास होल्डिंग पड़ी है, उस होल्डिंग को आपको सेल करना है, तो बेस्ट क्या है, आप DPSR में जाइए आपके, उस स्टॉक पे क्लिक कीजिए राइट क्लिक, एंड फिर आपको स्क्वायर ऑफ NSE स्क्वायर ऑफ BSE का ऑप्शन दिखेगा। स्क्वायर ऑफ NSE या BSE जो आप करना चाहते हैं करेंगे, तो क्या होगा ऐसा कॉलम खुल जाएगा सेल का, जैसा इस पे खुला था, ठीक है, जैसा यहाँ पे खुला था वैसा कॉलम खुल जाएगा, और आपकी क्वांटिटी जितनी होगी वो ऑलरेडी यहाँ पे लिखी हुई आ जाएगी। सपोज पहले आपने 50 क्वांटिटी बाय की थी तो 50 क्वांटिटी लिखी हुई आ जाएगी, आपको वापस से पूरा टाइप करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आइडिया आ गया, इस तरीके से होता है, आपको आइडिया आ गया, आई होप आपको आइडिया आ गया हो कि क्या करना है, ठीक है, कैसे करना है, सेल करना है, वैसे करना है, वैसे कर सकते हैं, ठीक है, नॉट अ बिग डील। तो बाकी आपको मैंने सब सिखा दिया है, ये DP2 प्लेज एक ऑप्शन है। अगर आप अपने शेयर्स को प्लेज यानी कि गिरवी रखना चाहते हो एंड उसके कुछ पैसे लेना चाहते हो तो वही ऑप्शन है। एंड DP डिटेल्स यानी आपकी होल्डिंग्स क्या है वगैरह वगैरह, लिमिट स्टेटमेंट आपको सिखा दिया। तो अब आपको आगे चल के कोई भी टाइप की क्वेरी हो ट्रेड टाइगर में तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा, ठीक है। एंड ऐसा होगा कि कुछ टॉपिक्स जो कवर करने रह गए होंगे मैं कमेंट्स में देख लूंगा, फिर उसका एक अलग से एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो आई होप आपको ये ट्रेड टाइगर कैसे यूज करना है वो वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइस वीडियो एंड करने के पहले मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि अगर आपका ऑलरेडी शेरखान में अकाउंट है एंड आपका अकाउंट हमारी शेरखान की ब्रांच में शिफ्ट करना चाहते हैं तो आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे कि आपको ₹20 ऑप्शंस में ब्रोकरेज चार्ज की जाएगी, जो कि कंपैरेटिवली लोअर है, जो आपका अभी होगा ब्रोकरेज स्ट्रक्चर उससे लोअर है डेफिनेटली प्रोबेबली, एंड डिस्काउंट ब्रोकर्स भी ₹20 चार्ज करते हैं। एंड दूसरे सेगमेंट्स में भी आपको लो ब्रोकरेज होगा, वो डिस्क्रिप्शन पे आपको मैं स्ट्रक्चर दे देता हूँ। ₹20 ऑप्शंस ब्रोकरेज, व्हाट्सएप ग्रुप में लाइफ टाइम के लिए ऐड, हमेशा के लिए ऐड, एंड 4 to 5 एजुकेशनल टिप्स व्हाट्सएप पे आती रहेंगी आपको डेली, न्यूज अपडेट्स कॉल्स स्टॉक्स के बारे में कुछ जानकारी, वो सब आपको व्हाट्सएप पे अपडेट मिलता रहेगा। तो अगर आप आपका अकाउंट शिफ्ट करना चाहते हैं तो शिफ्टिंग का कोई चार्ज नहीं है, ना कोई आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, पुराना प्रोसेस नहीं है, फॉर्म भी नहीं भरना पड़ेगा, ना कुछ करना पड़ेगा। सिर्फ आपके शेरखान ऐप में जाइए, प्रोफाइल में जाके आपका डिटेल्स का स्क्रीनशॉट भेजिए, उसमें पैन नंबर, कस्टमर आईडी, आपकी करंट ब्रांच का डिटेल्स मेंशन होना चाहिए। वो स्क्रीनशॉट आप हमको भेजिए, हम आपकी ब्रांच पे रिक्वेस्ट अप्लाई करेंगे, आपकी ब्रांच वाले आपको कॉल करके कंफर्म करके अप्रूव करेंगे। जैसे आप हाँ बोल देते हैं उनको कि हाँ शिफ्ट कर दीजिए, आपका अकाउंट इमीडिएटली हमारे अंदर शिफ्ट हो जाएगा, एंड आफ्टर दैट आपको हमारी सर्विसेज मिलेंगी लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको शिफ्टिंग करना है तो नंबर डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल है, व्हाट्सअप कर दीजिए हमको स्क्रीनशॉट और बोल दीजिए शिफ्टिंग। एंड अगर आपको न्यू अकाउंट ओपन करना है शेरखान में हमारे अंदर, फ्री अकाउंट ओपनिंग है, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 8676 ग्रुप कोड डालना मत भूलिएगा प्रेफर्ड ब्रांच कोड में, अदरवाइज मुंबई ब्रांच में खुल जाएगा, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और उसमें भी ₹20 ब्रोकरेज सेम स्ट्रक्चर है जैसा का वैसा है, उसमें भी व्हाट्सअप ग्रुप एंड ऑल सब सर्विसेज आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और आपको जो भी रिक्वायरमेंट हो स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग, शेरखान या कुछ भी रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर हो सके उतनी वीडियोज बनाने की ट्राई करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली कुछ इनोवेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।